हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अलीशा और आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज भाई और भाभी वापस दोहा जा रहे हैं, तो हम उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे हैं। ईद ख़त्म हो चुकी है और अब सबको वापस जाना पड़ेगा, इसलिए बट आई डोंट लाइक आई गॉट वेरी इमोशनल, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ ना, आई एम इमोशनल और मुझसे मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं। स्पेशली जब भयू जाता है ना, आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशन, चाहे मैं अपने आप से कितनी भी प्रॉमिस कर लूँ, कितना भी कन्विंस कर लूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं इमोशनल हो ही जाती हूँ। ऑल दो बहुत साल हो चुके हैं, स्टिल अभी भी भैया को जब भी मैं छोड़ने जाऊँ या जब भी यूज्ड टू गो या मैं भैया के पास से वापस आती हूँ, तो आई गेट इमोशनल। इसीलिए मैंने अपना सेकेंड हाउस दोहा ही बना लिया। हर बार अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ इस बार मैं नहीं रोने वाली हूँ भैया को छोड़ के, आई नॉट क्राई, आई नॉट गेट इमोशनल, बट कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे कुछ होता है भैया जाता है एंड आई गेट इमोशनल। बहुत ही मज़ा आया ईद में, सब आए अच्छे से, ईद सेलिब्रेट किया और टाइम का पता ही नहीं चला। चाहे फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, जब फैमिली साथ होती है ना, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। इमोशनल बट कोई बात नहीं, सून उमर विल बी गोइंग टू दोहा फॉर हिज समर वेकेशन, ओके डोंट गेट अपसेट। कैब में पापा बैठे हुए हैं, हम लोगों को छोड़ के पता नहीं पापा कहाँ चले गए, आप ढूंढने जा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब भैया जाता है, तो सीरियसली आई हेट दिस। We'll meet you in my next video. Till then, bye-bye. Don't forget to like and subscribe to my channel.